तो मेरे दोस्तों, आप लोगों की समस्या को देखते हुए मैंने कोडिंग और डिकोडिंग पे एक अजूबा ट्रिक लेकर के आ चुके हैं, जिसको आज आप सीख करके ही जाएगा। और इस ट्रिक को आप अपने जहन में इस कदर बैठा लीजिएगा कि आपको हमेशा, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक आपको याद रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं पढ़ना स्टार्ट। क्या है तो देखिए, ए का ट्रिक क्या होता है, आपको तो याद ही होगा। ए का क्या होता है, वन, बी टू, इतना तो याद रहता है, सी थ्री, डी फोर, ई फाइव, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ से याद करने का ट्रिक है, फिक्स सिक्स, एफ से क्या होता है, फिक्स, तो फिक्स से याद रखेंगे सिक्स, क्या एफ से फिक्स, तो हो गया सिक्स, जी सेवन, जी सेवन, जी सेवन सबमिट होता है, तो जी सेवन एक तरह का सबमिट होता है, इस तरह से याद रख सकते हैं, जी सेवन सबमिट, जी सेवन, ग्रुप ऑफ सेवन, एच एट, एच एट, एच एट, एच से एट, आई नाइन, आई से नाइन, आई नाइन। अब यहाँ से देखिए ट्रिक, तो आई नाइन, आई तक आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, इतना तो हर कोई याद रखता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लेटर होते हैं। तो चलिए अब जो है आगे चलते हैं, तो जे देखिए, जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां चली, कितना, जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां चली, कैसे याद रखेंगे जे और के को, तो जम्मू और कश्मीर में कितनी गोलियां चली, तो जम्मू में 10 और कश्मीर में 11, तो जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां चली, इस तरह से। अब देखिए एल का याद करने का ट्रिक क्या है, तो एल, एल से क्या होता है, लायन, और लायन को देखते हैं अब तो क्या बच जाता है चेहरे पे, 12 बज जाता है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि लायन को देखते ही 12 बज गए, इसका मतलब एल का क्या होता है, 12। अब देखिए एम, एम क्या होता है, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मतलब मेरा तो तेरा, तेरा मतलब तेरा, समझ गए, मेरा तेरा और एन 14, इस तरह से याद रख सकते हैं, मेरा तेरा एन 14, मेरा तेरा और एन 14, तो इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब चलिए ओ का होता है 15, ओ को याद रखना पड़ेगा, ओ का 15, तो देखिए ओ आर और एस, ओ आर एस, ओ आर एस, तीनों का याद करने का ट्रिक एक ही बार में दे रहे हैं आपको, तो ओ आर एस, ओ आर एस किसको पिलाया जाता है, बच्चों को पिलाया जाता है, तो ओ आर एस जो है 15, 18 और 19 साल के बच्चों को पिलाया जाता है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ओ का क्या होता है 15, आर का 18, एस का 19, आपको बहुत सारे ट्रिक दिए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको याद करवा करके ही आ जाएंगे आज। तो ओ आर एस किसको दिया जाता है, 15, 18, 19 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं ओ का 15, आर का 18, एस का 19। एक और ट्रिक याद करने का इसको बताएंगे, एक दो ट्रिक बताएंगे जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए अब पी का याद करने का ट्रिक बताते हैं, तो देखिए 16 साल की प्रिंसेस 17 साल की क्वीन से शादी कर लिया है, कहने का मतलब एक ट्रिक बनाना है यहाँ पे कि 16 साल की प्रिंसेस जो है वो कितने साल की क्वीन से शादी किया है, तो 17 साल की, तो पी का हो गया 16 और क्वीन का हो गया 17, तो 16 साल का प्रिंस जो है राजकुमार जो है 17 साल की क्वीन मतलब रानी से शादी किया, तो आप याद रख सकते हैं पी का होगा 16 और क्यू का क्या होगा 17, 16 साल के प्रिंस जो है किसे शादी किया है, तो 17 साल की क्वीन से शादी किया है, तो इस तरह से आप ट्रिक को याद रखिए आप। अब चलिए आगे देखते हैं, और आर का मैंने बता ही दिया कि ओ आर एस 15, 18 और 19 साल के बच्चों को पिलाया जाता है, तो आप यहां से भी याद रख सकते हैं ओ का 15, आर का 18 और एस का 19, तो इस तरह से आप डबल तरीके से याद रख सकते हैं, ओ आर एस 15, 18 और 19 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है, पिलाया जाता है, तो इस तरह से याद रखिए ओ आर एस को। अब आते हैं टी से, तो टी से क्या होता है मेरे भाई, टी से 20-20 मैच होता है, क्या होता है 20-20 मैच, देखे होंगे मैच खेलने वाले जो भी होंगे, मैच लवर जो भी हैं वो उनको पता होगा कि टी से क्या होता है 20-20 मैच होता है, तो टी का हो गया 20। अब चलिए यू की बात करते हैं, तो यू का एक बहुत यूनिक है, यू गिव मी 21, कहने का मतलब हो गया यू का क्या हो गया 21, आप इसको ध्यान से देखिए, यू गिव मी 21, इस यू का कितना हो जाएगा 21,
इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब चलिए वी का, तो वी के क्या होता है, वी से हम दो हमारे दो, वी से क्या, वी से हम दो हमारे दो, तो हो गया इसका 22। किस तरह से याद रखेंगे इसको, वी से हम दो हमारे दो, भारत सरकार चलाती है ना, एक स्कीम चलाती है कि हम दो हमारे दो, इस तरह से जो भी है। अब चलिए अब देखिए डब्ल्यू का क्या होता है, तो देखिए कोई भी बंदा है जब वर्क करता है तो कितने घंटा वर्क करता है, 24 घंटा वर्क करता है, लेकिन अगर वो 24 घंटा करता है तो उसे कुछ तो छुट्टी और राहत मिलना चाहिए ना, 24 घंटे काम करेंगे तो फिर सोएंगे कब, वो तो पागल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, किसी भी पर्सन को नहीं करना चाहिए, कुछ तो छुट्टी मिलना चाहिए, चलिए एक घंटे का ही छुट्टी दे दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं कम डब्ल्यू से क्या, 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। डब्ल्यू से क्या होता है, वर्क होता है, डब्ल्यू से क्या होता है, वर्क, और वर्क हमें 24 घंटे नहीं करने चाहिए, इसका मतलब डब्ल्यू का कितना हो गया 24, डब्ल्यू का कितना हो गया मेरे भाई 24 हो गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमें वर्क जो है 24 घंटे काम नहीं करने चाहिए, कितने घंटे काम करने चाहिए, तो सॉरी 23 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 24 घंटे काम नहीं करने चाहिए, तो हो जाएगा इसका 23, समझ गया, हमें 23 घंटा ही काम करना चाहिए, 24 घंटे काम नहीं करने चाहिए। अब चलिए एक्स का ट्रिक देते हैं, तो एक्स का क्या होता है, एक्स जो होता है इसका होता है 24, हमें 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, तो एक्स का हो जाएगा 24 और डब्ल्यू का हो जाएगा 23। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 24 घंटे काम नहीं करने चाहिए, एक्स का हो जाएगा 24 और डब्ल्यू का हो जाएगा 23, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो एक्स का कितना होगा, ये एक्स का हो जाएगा और ये हो जाएगा डब्ल्यू का, तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप। और वाई का देखिए, तो वाई का आपको याद ही रहेगा 25 होगा और जेड का 26, इतना तो हर किसी को याद रहता है लास्ट वाले लेटर, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार से और हम इसको रिपीट कर देते हैं, तो देखिए A1 B2 इस तरह से याद रख सकते हैं आप, C3 D4 इतना तो याद रहता है, E5 Fix 6 क्या Fix 6, G7 सबमिट होता है तो G7, H8 से क्या H8, अब देखिए I9 इतना तो याद रहता है हर किसी को। अब यहाँ से J और K की बात किया जाता है, जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियाँ चली, तो इसका मतलब जम्मू में 10 और कश्मीर में 11, लाइन को देखते ही 12 बज जाते हैं, तो L का 12 हो गया, मेरा 13, N 14, मेरा 13, तो M के बाद आता है N, तो N 14 हो गया ऑटोमेटिकली। अब O 15, ORS एक ही बार में याद करवाए हैं आपको, ORS 15, 18, 19 साल के बच्चों को क्या किया जाता है, पिलाया जाता है, तो O का हो गया 15, R का 18, S का 19। अब चलिए P और Q की बात की जाए, तो P क्या होता है, P 16 साल का प्रिंस जो राजकुमार था वो 17 साल की क्वीन से क्या किया, शादी किया है, तो P का हो जाएगा 16 और Q का हो जाएगा 17, इस तरह से। अब आते हैं R, अभी अब बताया था ORS, ठीक है, तो R का हो जाएगा 18 और S का 19। चलिए T से क्या होता है, 2020 मैच, T से क्या होता है 2020 मैच, तो T का 20, यू का मैंने अभी बताया, यू गिव मी 21, यू का हो जाएगा 21, अभी से क्या हम दो हमारे दो, तो भी से क्या हो गया 22। अब हमें 24 घंटे काम नहीं करने चाहिए, डब्ल्यू से क्या होगा, हमें 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब होगा 23, क्या होगा 23, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। अब एक्स का, तो एक्स हमें 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब एक्स का हो जाएगा 24, देखिए इस तरह से अभी हम लिखे थे कि हमें 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, तो 24 हो जाएगा डब्ल्यू का और एक्स का हो जाएगा क्या, सॉरी 23 हो जाएगा डब्ल्यू का और 24 हो जाएगा एक्स का, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया था कि 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए मतलब 23 होगा और एक्स का नहीं करना चाहिए इसका मतलब 24 होगा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलिए आगे, तो वाई का 25 और जेड का 26, ये तो लास्ट वाले आपको ऐसे ही याद रहेंगे। चलिए अब एक नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट ट्रिक आपको पता होगा ई जो टी, तो आपको पता है कि ई से क्या होता है 5, जे से 10, ओ से 15, टी से 20 और वाई से 25, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ई जो टी में आपको याद रहेगा ई 5 जे 10,
वो 15 T20/25, क्योंकि इजोटी में क्या है, 5 का डिफरेंस है, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, है ना। तो इजोटी में आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 5, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब एस टी का हमने एक बताया है ट्रिक कि ओ आर एस 15, 18, 19 साल के बच्चे को पिलाया जाता है। और एक और ट्रिक है एस एस टी, एक और तरीका से याद सकते हैं एस को। तो देखिए एस सी और एस टी में 19-20 का फ़र्क होता है, कितना होता है, एस सी और एस टी में, एस सी और एस टी में 19-20 का फ़र्क होता है। तो एस का हो जाएगा 19 और टी का हो जाएगा 20। तो एस सी और एस टी में कितने का साल का फ़र्क होता है, तो 19-20 का फ़र्क होता है। तो एस का 19, टी का 20, या फिर इस तरह से याद रख सकते हैं ओ आर एस 15, 18, 19 साल के बच्चे को पिलाया जाता है। तो 15, 18 और 19 आपको जो भी ट्रिक याद रखे रहेगी वो उसको याद रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, हमें 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, 23 और 24 घंटे एक्स हो जाएगा 24 का। तो इस तरह से आप समझ ही रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अब रिवर्स वाला कल करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो कोडिंग और डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस लिए यूज किया जाता था। देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या होता है कि अगर किसी मैसेज को या संदेश को आपको गुप्त रूप से भेजने होते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कोडिंग, ठीक है। और जिसके पास भेजा जाता है तो रिसीवर होता है, रिसीव करता होगा, तो जिसके पास आपने भेजा वो पढ़ेगा उस कोडिंग को, क्या पढ़ेगा, मतलब अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। मतलब आपने एक कोड को कोड के रूप में सेट कर दिया और उसको सेंड कर दिया, ठीक है। तो जिसके पास आपने सेंड किया वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझेगा कि इस कोड का मतलब क्या है, तो इस कोड का मतलब क्या है समझ करके, और अपने बातों को, वो आपकी बातों को आप आसानी से समझ लेता है। तो वो इसको जैसे, तो आप याद रखे कोडिंग का मतलब क्या होता है, कोडिंग का मतलब होता है किसी गुप्त संदेश को भेजना, ठीक है, क्या, किसी गुप्त मैसेज को, किसी गुप्त मैसेज को भेजना, कोडिंग का मतलब किसी गुप्त मैसेज को भेजना, और डिकोडिंग का मतलब उसको ग्रहण करना, डिकोडिंग का मतलब ग्रहण करना होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखें, कोडिंग का मतलब कि आपने किसी गुप्त मैसेज को भेजा, और डिकोडिंग का मतलब जिसके पास आपने उस मैसेज को भेजा गुप्त रूप से उसको वो पढ़ेगा अपनी लैंग्वेज में या अपनी अपने अंडरस्टैंडिंग से कि इस कोडिंग का मतलब क्या है। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे। चलिए आगे बता दें कि जिस तरह से आपने ए बी सी डी को फॉरवर्ड की तरफ ए से 26 तक पढ़ा, 1 से लेकर के 26 तक पढ़ा, ए को जेड से, ए से जेड तक को 1 से 26 तक पढ़ा, उसी तरह से जेड से ए तक को हम रिवर्स में भी तो लिख सकते हैं, 26 को 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। तो कल ये जो रिवर्स वाले होते हैं उसको हम कल जो है पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। आपका कल एक फिर वीडियो आएगा, मतलब आप हमसे जुड़ जाइए, रेगुलर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे। और रीजनिंग और मैथ्स की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बेस्ट से बेस्ट जो है आपको एक ट्विटर के रूप में आपको हम साबित करेंगे। तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, और आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमसे जल्द से जल्द जुड़ जाएं। और आपको मैथ्स और रीजनिंग दो चीज़ों के लिए कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं।